मैं डॉक्टर सुदेश शर्मा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष जगत के महान और विश्वविख्यात विद्वान जो मेरे समक्ष बैठे हैं प्रथम पंक्ति में, आप सभी को मेरा सहृदय प्रणाम है। और सभी मेरे भ्रातागण या मेरी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी मेरा सप्रेम अभिनंदन हार्दिक। ज्योतिष विद्या के बारे में कहें तो एक गहन सागर, गहरा सागर, जिसमें जितना गहरा गए उतने गहरा उतरने की जिज्ञासा और चाह बढ़ती ही गई, जो कभी समाप्त ही नहीं होती है, समाप्ति की ओर कभी जाती ही नहीं है। और हम भी कुछ ऐसे ही एक नए जन्म कहेंगे ज्योतिष को लेकर, कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में जन्मी और एक राजपत्रित अधिकारी के साथ विवाहित, इस विद्या से कहें तो एक जन्मजात नाता रहा। कुछ चीज़ें थी जो बाय बर्थ मुझे मिली, जन्म से ही मिली, लेकिन जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। और काफ़ी साल अध्ययन किया ज्योतिष का और सुनते भी रहे, बहुत से मेरे अग्रज यहाँ बैठे हैं जिनको हमने सुना, ज्योतिष जगत के विख्यात रहे हैं। और कल डॉक्टर एच एस रावत जी हैं या अनिल बस जी हैं, ये तो कहें हम कि एक ज्योतिष लिखने वाले किताब है पूरी, और उनके समक्ष खड़ा होना अपने आप में एक सौभाग्यशाली है। और इन सब की बात में आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी अश्वनी भाई साहब को, बहुत अच्छा आयोजन उनका रहा, भव्य आयोजन रहा। एक व्यक्तिगत निजी तौर पर भी मेरा अच्छा अनुभव रहा उनके साथ बातचीत को लेकर या किसी भी सम्मेलन को लेकर। उनके साथ ये दूसरा सम्मेलन है जिसमें मुझे उन्होंने यहाँ के लिए आमंत्रित किया और हम आए भी और अच्छा भी लगा। ज्योतिष को लेकर इतनी भ्रांतियाँ फैली हैं, इतना एक गहन और स्पष्ट और शुद्ध विद्या को इतना आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया, जबकि चाहते थे कि ये एक ऐसी विद्या है जो बिल्कुल निष्पक्ष और निःशुल्क होनी चाहिए। लेकिन सिखाया जब निःशुल्क नहीं जाता तो फिर कैसे उसको निःशुल्क किया जाए, ये भी चीज़ें रही। दूसरी बात कि हम लोग सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन का आयोजन केवल ज्ञान पर ही आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आए यहाँ सम्मेलन के लिए और यहाँ कुछ और ही चर्चाएँ हम शुरू कर दें या और ही किसी कारणवश हम इन चीज़ों को यहाँ आमंत्रित करें और उनका प्रस्तुतिकरण हम करें। मैं भारत फेडरेशन दर्पण के ज्योतिष विभाग की अध्यक्षा, अभी कुछ ही समय पहले उनके साथ जुड़ी माँ शिव साधिका विश्वरूपा जी, और किसी कारण वो उपस्थित नहीं हो पाई, आना उनको भी यहाँ था लेकिन संभव नहीं हो पाया, शायद कोई ना कोई निजी कारण रहा होगा। और ज्योतिष की चर्चाएं करने के लिए यहाँ बहुत से विद्वान हैं और बहुत कुछ हमने सीखा भी उनसे और हमने सुना भी। सबके पास अपनी अपनी एक विशेष विधा होती है, लेकिन बुरा तब लगता है कि कोई एक विद्वान हमारे समक्ष खड़ा होता है हमें कुछ अपना ज्ञान देने के लिए और हम सब यहाँ सब अपनी चर्चाओं में लीन होते हैं। बहुत बुरा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी इतनी ऊँची ऊँची आवाज़ें आपकी मंच पर आ रही होती हैं, ये उनका अपमान कहें या उनका सम्मान कहें, हमें नहीं अच्छा लगता। इसीलिए आप लोगों ने हमें कभी किसी ऐसे सम्मेलन में देखा भी नहीं होगा। हम 10-12 साल तक रिसर्च में कार्यरत रहे भारतीय विद्या भवन से, लेकिन कभी किसी सम्मेलन से ना हमारा लगाव रहा ना हमारा जुड़ाव रहा। परंतु पहला सम्मेलन हमारा एक था जहाँ हम गए थे, और यहाँ कपिल मेरे साथ सामने बैठे हैं, मेरे बैचमेट भी हैं, और इन्हीं के साथ मेरा पहला सम्मेलन था एक जयपुर में जहाँ मैं गई। वहाँ देखा तो वहाँ अच्छे ज्ञान की बातें भी मिली और अच्छा भी हमें लगा। उसके बाद और भी कभी, अभी आप देखिए इतना बोलने के बावजूद यहाँ कोई टेबल आप देखिए ऐसी नहीं है जो कि ये सुनना चाह रही हो कि हम मंच पर क्या कह रहे हैं। इतने इतने बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कल भी काफ़ी वक्तव्य हमने सुना भी और देखा भी, और मुझे वो चीज़ें कभी पसंद रही ही नहीं और मैं आती भी नहीं किसी सम्मेलन में और मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि जो आज के सम्मेलन का कार्यक्रम हम कहें, क्योंकि अश्वनी भाई साहब का कार्यक्रम था और उनके साथ एक संबंध, ऐसा आत्मा का जुड़ाव मेरा रहा कि बातों से ही सही उन्होंने, लेकिन एक बड़ी बहन का दर्जा उन्होंने दिया और हमें अच्छा लगा, उन्होंने आमंत्रित किया तो उनके आग्रह को मैं टाल नहीं पाई। अदरवाइज आप लोगों ने मुझे कभी किसी सम्मेलन में ना देखा होगा ना सुना होगा, जबकि मैंने अपने आर्टिकल्स दिए हैं, हमने भारतीय विद्या भवन की मैगजीन्स में हमारे आर्टिकल आए हैं, और हम भी इस शिक्षा के लेकर आगे हम भी चाहते हैं इसका प्रचार प्रसार हो। जब पाश्चात्य लोग हमारी इस विद्या का फायदा उठा रहे हैं, इसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? उस पिछड़ाव का कारण केवल यही है
कि इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ आया जाता है तो सिर्फ अपनी आवभगत के लिए या अपने सम्मान के लिए, या एक नेगोशिएशन होता है कि इतने बंदे मैं लाऊंगा तो इतना मेरा कंसेशन होना चाहिए। बड़ा अफसोसजनक विषय है ये, और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए भी। लेकिन यहाँ आए तो अश्विनी जी की हमने देखी कि एक व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर कहूँ उनके बारे में, तो एक पर्सनली हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर बुलाना, पूछना, कहना, कोई तकलीफ नहीं, रास्ते में इन टच रहना, ये एक अच्छी आदत ही नहीं कहेंगे, एक अच्छा व्यवहार भी हम कहेंगे उस चीज़ के लिए। और वाकई मैं हृदय से आभारी हूँ अश्विनी जी की जिन्होंने यहाँ आमंत्रित भी किया। अदरवाइज मैं किसी स्टेज पर ना आती हूँ, ना मैं कभी ये बातें करती हूँ। अब बातें ज्योतिष की ही चल रही हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ज्योतिष के विषय में हम काम करें। ज्योतिष एक सामूहिक शोध का विषय है, क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मेरे अग्रणी जो इस विधा में बहुत सालों से जो कार्यरत हैं, वो कुछ ऐसा टॉपिक हम लोगों को दें जो आज आने वाले, जो हमारी भावी पीढ़ी ज्योतिष जगत में उत्पन्न हो रही है, नए नए शोध लेकर आ रही है, तरह तरह की विधाएं सबके पास है। सभी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ जरूर आता है। और बात उन्हीं की चलती है जिनमें कोई बात होती है, यूँ तो भीड़ है जमाने की, रोज ही मुकालात होती है। तो ये चीज़ें क्यों ना हम सबके समक्ष लेकर आएँ कि छोटी छोटी विधाओं को लेकर उस पर काम करें। संयुक्ति रहे तो क्या कुछ नहीं निकल सकता, और क्या कुछ निकाला नहीं जा सकता। कितना गहरा ही मोती क्यों ना हो, वहाँ से ढूंढकर क्यों नहीं लाया जा सकता। सामूहिक प्रयास सभी का बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि इस विधा को लेकर सभी सामूहिक प्रयास करें भी। और हम ये कहते हैं कि ज्योतिष का कोई भी एक टॉपिक है, आप दीजिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, थोड़ी गलती तो होगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ उसका निचोड़, कुछ उसके सूत्र, कुछ नए तो लाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहे। शोध के विषय से मैं जुड़ी रही काफ़ी समय से, और उसी शोध के विषय में एक राशि संख्या चक्र, जिसका उपयोग अभी तक होता आया था मेदिनी ज्योतिष में। मेदिनी ज्योतिष में उपयोग होता था संभावनाओं को लेकर, जलवायु को लेकर, या और ही देश या विदेश की भौगोलिक स्थितियों को लेकर। तो उसी पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और प्रथम गुरु जो मेरे रहे ज्योतिष के, मेरे पिता ही रहे। उसके बाद गुरु केएन राव जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सी विधाओं के बारे में बताया, और हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन दिया ज्योतिष को लेकर, जिनको हमने फॉलो करने का प्रयास भी किया। और कहाँ तक कर पाए ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तरफ से भरसक प्रयास ये रहा कि इस विधा को आगे बढ़ाया जाए निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से। और उसी के चलते हमने कुछ प्रयोग किए अपनी व्यक्तिगत तौर पर, कुछ रिसर्च हमने की, कुछ शोध हमने किए, जिसका चर्चा मैं यहाँ भी करना चाहूँगी। तो उन्हीं में से एक शोध था राशि संख्या चक्र का। राशि संख्या चक्र जिसका अभी तक ये ऐसा विषय था जो सिर्फ मेदिनी ज्योतिष में चलता रहा था, इनको हमने व्यक्तिगत तौर पर कुंडलियों पर लगाना सीखा। और इसको हमने देखा कि इसका प्रयोग जो है ना केवल किसी एक विधा पर, हमारे अनेक जो जीवन की घटनाएं हैं उन पर किया जा सकता है। और उन घटनाओं पर हमने किया, बहुत अच्छे शोध रहे। हमारे साथ काफ़ी हमारे ग्रुप के लोग थे जिन्होंने इस शोध को किया, और उसके परिणाम भी निसंभवतः बहुत ही अच्छे आए। ये ऐसी विधा है राशि संख्या चक्र के बारे में हम कहेंगे कि है मुख्यतः भाव, भावेश और कारक, उससे हम इसको देखते हैं। और ये ना सिर्फ जन्म कुंडली पर बल्कि गोचर कुंडली पर भी इसे लगाया जाता है। गोचर कुंडली से भी हम इनको देखते हैं। और ये सिर्फ भाव से भाव तक ही नहीं, उस भाव में बैठे ग्रहों पर भी ये लागू होता है। इसमें हमें कहें तो एक बहुत ही सामान्य और साधारण से इसमें कुछ सूत्र हमें मिले जो हम आपको बताना चाहेंगे। और कोई अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछना चाहे या जानना चाहे राशि संख्या चक्र को कैसे कुंडली पर हम अप्लाई करते हैं, तो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वो पूछ सकता है, मुझसे बात कर सकता है। हम उन्हें बताएंगे वो पैरामीटर, वो सूत्र क्या है जिस पर हमने कार्य किया, और उनकी सटीकता भी उसमें आई। तो इसमें क्या था कि मुख्यतः अग्नि तत्व राशियाँ जो थी उनका वेद जो है, इसमें वेद कहें तो एक तरह से छेद, किसी भी ग्रह का या किसी भी भाव का छेदन होता है। तो इसमें अग्नि तत्व राशियों का जो भेद होता है वो होता है जल तत्व राशियों से, परंतु अपने ही एक, अपने ग्रुप के, अपने समूह की एक राशि को छोड़कर। इसी प्रकार जो जल तत्व वाली राशियां हैं उनका भेद होता है अग्नि तत्व राशियों से, परंतु अपने ही समूह की एक समूह की राशि को छोड़कर। इसी तरह पृथ्वी तत्व वाली राशियों का भेद होता है वायु तत्व वाली राशियों से और अपने समूह की एक राशि को छोड़कर। वायु तत्व वाली राशियों का वेद होता है पृथ्वी तत्व की राशियों से, अपने समूह की एक राशियों को छोड़कर। जिस प्रकार कहें कि एक आसान सा तरीका है
कि जैसे मेष राशि यानी कि अग्नि तत्व राशि है मेष, तो उसका वेद जो है वृश्चिक और मीन से होगा परंतु कर्क से नहीं होगा। उसी प्रकार सिंह राशि है, उसका वेद जो है मीन और कर्क से होगा परंतु वृश्चिक से नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखें कि धनु राशि है, तो उसका वेद जो है कर्क और मीन से होगा तो वृश्चिक से नहीं होगा। वृष राशि है, तो उसका वेद तुला और कुंभ से होगा। और कन्या राशि का जो वेद है वो कुंभ और मिथुन से होगा। मकर का वेद जो है वो मिथुन और तुला से होगा। मिथुन का जो वेद है वो कन्या और मकर से होगा। तुला का वेद जो है मकर और कन्या से होगा। कर्क का जो वेद है वो वृष वो सॉरी सिंह और धनु से होगा। वृश्चिक का जो वेद है वो धनु और मेष से होगा। मीन का जो वेश है वो मेष और सिंह से होगा वो वेद, लेकिन धनु से नहीं होगा। अब ये राशियाँ वेद जो करती हैं, ये उस वेद के साथ साथ उन राशियों का वेद ही ना होकर उन राशियों में बैठे ग्रहों का भी वेद होगा। अब हमें ये देखना होता है कि कोई भी जब घटना घटती है तो उनका वेद हम कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास कई केस आए, इसमें एक महिला का केस मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उनका एक बहुविवाह का एक केस था कि मल्टीपल मैरिजेस उनकी हुई। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये बताइए सुदेश जी कि ये ऐसा क्यों, ये मेरी राशि में ऐसा क्यों हो रहा था। उसमें उनके देखें तो वैदिक के बहुविवाह के जो पैरामीटर थे, जो सूत्र थे, वो उस पर लागू भी हो रहे थे। और उन सूत्रों के साथ साथ हमने राशि संख्या चक्र पर जब लगाया तो हमने देखा कि वहाँ भी हमें देखा कि उनके पंचम सप्तम और द्वादश भाव पर बहुत से अशुभ ग्रहों का वेद था। तो उस मेरा कहने का अर्थ ये है कि उस भाव में बैठे ना सिर्फ राशि का ही हम वेद मानेंगे, उसमें बैठे विभिन्न ग्रहों का भी हम वेद मानेंगे। अशुभ ग्रहों का वेद जो होता है वो सामान्यतः अशुभ ही होता है। और अशुभ से यदि अशुभ राशि का वेद हो गया तो निसंभवतः वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार जो शुभ ग्रहों का वेद यदि शुभ राशि से होता है तो वह शुभ माना जाता है। इसी प्रकार हमने इसमें देखा कि नक्षत्र और चरण, नक्षत्रों का वेद भी इसमें हमने चाहा कि नक्षत्रों को भी लिया, उनको भी काउंट किया, उनको भी कर्मानुसार हमने लगाया, कर्माबद्ध किया। और नक्षत्र चरणों का जो वेद रहा उस पर भी हमने देखा। तो चरण टू चरण हमने जो इस चीज़ों को हमने लगाया और वो किस तरह से ये फलीभूत हुआ, ये बहुत से बड़े केसेस हमने किए और वो सामने भी आए। और केसेस भी एक अच्छे अच्छे व्यक्तियों के किए जो कि नामी गिरामी व्यक्ति थे। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और प्रशासनिक सेवा कार्यरत भी रहे हैं। लेकिन ये तभी हमें लगा कि हाँ ये विद्या सटीक है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और इनका उपयोग हम तभी करते हैं कि जब हम कई विद्याओं का उपयोग करते हैं और परिणाम संभवतः एक ही चीज़ को लेकर निकलता है तो उस परिणाम की शुभता या अशुभता सटीकता हमें पता चलती है और उसी के अनुरूप हम इस कार्य को करते हैं। और किस प्रकार हमने अपने शोध में जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं को लगाया, उसके परिणाम जो हमें प्राप्त भी हुए और राशि से राशि तक और नक्षत्र से नक्षत्र तक या उसके चरण तक हमने कैसे इनका उपयोग किया, वो बहुत ही अच्छा एक विषय रहा। समझाने के लिए यहाँ समय इतना नहीं है क्योंकि बहुत से मेरे विद्वत्गण हैं जो कि लाइन में हैं और आज सभी को जाने की थोड़ा जल्दी भी है। हम भी बहुत दूर से आए हैं और शायद जाएंगे भी। तो अंत में आप सभी का अभिवादन करना चाहूँगी, धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे इतने पेशेंटली सुना, इतने धैर्यपूर्वक सुना। और सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के समक्ष ये बोलने का मुझे मौका भी मिला। और अश्विनी जी आपको बारंबार अभिवादन है और हार्दिक धन्यवाद है आपका, और धन्यवाद आप सभी का।